सुप्रभात बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको पाठ 16 पेंसिल की कहानी के कठिन शब्द और शब्दार्थ कराए थे। आज मैं आपको इस पाठ से संबंधित पुस्तक कार्य पूर्ण कराऊंगी। तो आइए पढ़ते हैं प्रश्न, सही विकल्प चुनो। यहाँ आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं और कुछ साथ में कुछ विकल्प भी दिए गए हैं। आपको इन प्रश्नों को पढ़कर उनका सही विकल्प चुनकर उसके आगे सही का निशान लगाना है। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। दादी माँ लिख रही थी, क्या लिख रही थी दादी माँ? विकल्प है पत्र, निबंध, कविता या कहानी। तो दादी माँ क्या लिख रही थी? पत्र। तो हम पत्र के आगे सही का निशान लगाएंगे। हमें क्या सहन करना आना चाहिए? विकल्प है दुखों को, अपमान को, हार को, ये सभी। तो इसका उत्तर होगा ये सभी। तो हम इसके आगे ये सभी के विकल्प के आगे सही का निशान लगाएंगे। दादी माँ किसके बारे में लिख रही थी? विकल्प है बालक के, अपने बारे में, दादाजी के, पेंसिल के। उसका सही उत्तर होगा बालक के। तो हम बालक के आगे सही का निशान लगाएंगे। अगले प्रश्न पढ़ते हैं। उचित शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ पर आपको कुछ शब्द, यहाँ पर आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं। आपको रिक्त स्थान में उचित शब्द भरकर रिक्त स्थान को पूरा करना है, यानी सही शब्द भरकर रिक्त स्थान को पूरा करना है। अचानक उसने अपनी रिक्त स्थान से पूछा, किससे पूछा? रिक्त स्थान में क्या आएगा? दादी से। दूसरा है तुम्हारे भीतर रिक्त स्थान उपलब्धियाँ प्राप्त करने की योग्यता है, क्या है? महान से महान। नेक्स्ट है ऐसा करने से तुम एक बेहतर रिक्त स्थान बन जाओगे, क्या बन जाओगे? मनुष्य। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला है विलोम शब्दों के जोड़े बनाइए। यहाँ पर कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं और आपको उनके जोड़े बनाने हैं। जैसे आशा का विलोम निराशा, हार का विलोम जीत, दुख का विलोम सुख, अच्छा का विलोम बुरा। इस तरह हमने ये विलोम शब्द के जोड़े बनाकर इस प्रश्न को पूरा किया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और आपको इन शब्दों को एक वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे शब्द है विशेष, मार्गदर्शन, न्यायपूर्वक, विचार। पहला शब्द है विशेष, और हम इसे वाक्य में किस प्रकार प्रयोग करेंगे? कल एक विशेष दिन है। मार्गदर्शन वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे? सविता ने पढ़ाई में सुरेश का मार्गदर्शन किया। न्यायपूर्वक, अकबर ने न्यायपूर्वक क्या सुनाया? फैसला सुनाया। विचार, मेरे विचार से रमेश एक बुरा व्यक्ति है। इस तरह हमने इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग किया है। बच्चों, इस तरह मैंने आपको पुस्तक का कार्य पूर्ण कराया है। आपको भी ये पुस्तक कार्य अपनी पुस्तक में करना है, और यदि आपके पास पुस्तक ना हो तो आप ये कार्य अपनी कॉपी में भी कर सकते हैं। धन्यवाद।